भारत ने गुरुवार को दूसरे और आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कराई। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट 2 दिन से पहले ही खत्म हो गया। पहली पारी में 55 रन बनाने वाली दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 176 रन बनाकर भारत को जीत के लिए 79 रन का लक्ष्य दिया। इस टारगेट को भारत ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 80 रन बनाकर हासिल किया। भारत की पहली पारी 153 रन पर सिमट गई थी, जहां टीम के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 46 रनों की पारी खेली थी।